डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नोइसेस ऑनलाइन ट्यूटर। अभी मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि इक्वालिटी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ओके, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू इज इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन। तो इक्वालिटी प्रिंसिपल बोलता है कि अगर जेड वन इक्वल टू जेड टू होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि रियल पार्ट ऑफ जेड वन शुड बी इक्वल रियल पार्ट ऑफ जेड टू। अर्थात क्या होता है कि इसका रियल पार्ट क्या है ए, इसका रियल पार्ट क्या है ए वन, तो ए इज इक्वल टू ए वन। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टू। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है बी, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है बी वन, तो बी बी वन के साथ सेम होगा। एक एग्जांपल के तौर पर चलते हैं कि लेट जेड वन इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस थ्री आई एंड जेड टू इज इक्वल टू बोला गया कि एक्स प्लस आई वाई। तो इस केस में एक्स एंड वाई के हल अगर निकालने के लिए बोलते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि जेड वन इक्वल टू जेड टू देन माइनस फाइव प्लस थ्री आई शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ओके। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है माइनस फाइव, यहाँ रियल पार्ट क्या है एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस फाइव एंड वाई इज इक्वल टू थ्री। तो दिस इज द आंसर, ओके। तो ये हो गया इक्वालिटी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ना हम लोग देखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे एडिशन, ओके। लेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन और एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू, इन दोनों का हम ऐड करेंगे, ओके। तो जेड वन इज इक्वल टू थ्री प्लस टू आई, जेड टू इज इक्वल टू सेवन माइनस फाइव आई, हम मान के चलेंगे, ओके। देन समेशन कितना होगा, इस केस में क्या करने का है, हम लोगों को रियल पार्ट को एक साथ रखना है, रियल पार्ट को एक साथ रखेंगे एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे, क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट का समेशन होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट का समेशन होगा। तो कितना होता है, दिस इज इक्वल टू टेन माइनस थ्री आई। तो ये भी एक इमेजिनरी हरी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, लेट उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड थ्री से। तो आंसर क्या होगा, कि आंसर होगा दिस वन, ओके। नाउ अभी हम देखेंगे कि अगर जेड टू प्लस जेड वन करते तो क्या होते, जेड टू प्लस जेड वन करने से क्या होगा सेवन माइनस फाइव आई प्लस थ्री प्लस टू आई इक्वल टू क्या होगा सेवन प्लस थ्री माइनस फाइव आई प्लस टू आई इक्वल टू कितना होगा टेन माइनस थ्री आई। मतलब एक आंसर सेम होता है, इसका मतलब हमको क्या मिला कि जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू जेड टू प्लस जेड वन, इसे बोलता है एडिशन का कॉम्यूटेटिव रूल, ओके। तो देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कैसे होगा, ओके। सब्सट्रैक्शन के लिए लेट हम मान के चलते हैं कि सब्सट्रैक्शन करेंगे, ओके। तो लेट जेड थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस सेवन आई एंड जेड फोर इज इक्वल टू सेवन माइनस थ्री आई, ओके। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम पहले करेंगे जेड थ्री माइनस जेड फोर इक्वल टू कितना होता है, जेड थ्री माइनस जेड फोर को पहले लिखेंगे जेड थ्री माइनस जेड फोर, जेड थ्री माइनस जेड फोर। तो पहले जो रियल पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे, ओके। तो
रियल पार्ट का कितना हुआ, माइनस सेवन माइनस फाइव माइनस टू ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व और यहाँ प्लस सेवन आई माइनस थ्री आई दैट इज़ फोर आई। तो इसका आंसर क्या हुआ, माइनस ट्वेल्व प्लस फोर आई। लेकिन अगर इसका हम लोग इसमें करेंगे जेड फोर माइनस जेड थ्री तो क्या होगा, जेड फोर माइनस जेड थ्री मीन्स सेवन माइनस थ्री आई माइनस माइनस फाइव प्लस सेवन आई। ओके तो इक्वल टू क्या होगा, सेवन माइनस माइनस प्लस फाइव ओके माइनस थ्री आई माइनस सेवन आई। इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे तो क्या होगा, प्लस, तो कितना होगा ट्वेल्व माइनस टेन आई। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों दिस वन एंड दिस वन सेम नहीं होता है, मतलब जेड थ्री माइनस जेड फोर वुड नॉट बी इक्वल टू जेड फोर माइनस जेड थ्री, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव रूल नहीं है। ओके तो इसके बाद आगे का वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए आगे का वीडियो देखने के लिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।